मर गए, मर गए। चलो चलो अब जल्दी से बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। तुम लोग अपना फोन तो नहीं लाना साथ में? अरे नहीं यार, नहीं लाए। तुम लोग दोनों निकलो और काम खत्म होते वापस आ जाना जल्दी से। अच्छा सुनो, वो सीसीटीवी वाले रास्ते से ना बिल्कुल भी मत जाना। हाँ पता है, जैसे डिसाइड हुआ वैसे जाएंगे। और सुन, ये फोन कार्तिक नगर तक ऑन रखना और उसके बाद स्विच ऑफ करके फेंक देना कहीं पर भी। बताने के लिए ना हमें कोई कहानी बनानी पड़ी ताकि हम पर शक ना करे कोई। पराग मूड बना मूड, तू परेशान है, तू बहुत परेशान है, तू हर जगह ढूंढ आया है, तू ठीक से सोया भी नहीं है, तेरी लगी पड़ी है। सर कल रात 11:30 के आसपास अचानक माँ ने मुझसे कहा कि वो कहीं जा रही है। कहाँ जा रही? मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। वो कह रही थी कि कुछ काम है, तू सो जा। मैं सो गया सर, फिर अचानक 12:30 के आसपास मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि माँ अभी तक वापस नहीं लौटी थी। तो मैंने उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा था। अगर गई हैं तो इतनी रात को कहाँ जा सकती? सर नहीं पता, पर माँ बहुत परेशान लग रही थी। क्यों क्यों परेशान थी? माँ कभी अपनी परेशानियों के बारे में मुझे बताती नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही बात कहती है कि तू बस अपना पढ़ाई कर। तुम्हारे पास हाल फिलहाल की कोई फोटोग्राफ है तुम्हारी मम्मी की? मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ आपका नंबर। पराग देखो, तुम्हारी माँ एक अडल्ट है, थोड़ा टाइम देते हैं, हो सकता है कि वो खुद से वापस आ जाए। लेकिन सर पहले वो अचानक ऐसे कहीं पर भी नहीं गई है, वो भी इतनी रात गए। समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम देते हैं, तुम घर जाओ और एक काम करो, अपने मोहल्ले वालों से पता करो, रिश्तेदारों में पता करो। सर मैंने सबसे पूछा, किसी को कुछ नहीं पता है, माँ की किसी से बात ही नहीं हुई थी इस बारे में। ठीक है, हम कुछ करते हैं। सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए।
पराग, क्या बोली पुलिस? ऐसे कैसे किसी को मिलने चली गई और मिला? काकी माँ कुछ बता ही नहीं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ गई है, किससे मिलने गई है। इतनी रात को जब तेरी माँ जा रही थी तो तू क्यों नहीं गया उनके साथ? मैंने दो बार कहा माँ को कि मैं भी चलता हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कह रही थी कि किसी से अकेले मिलना है, काम निपटाते ही वापस आ जाएगी। ऐसा क्या निपटाना था इतनी रात, वो भी अकेले? सुहेल मुझे क्या पता, मुझे तो घबराहट हो रही है, जान निकली जा रही है मेरी। क्या बात है दिवाकर भाई, उर्मिला जी ने ठेला नहीं खोला आज? अरे भाई तुमने सुना नहीं, वो कल रात को ही कहीं चली गई है, अपने बेटे को भी कुछ बताया नहीं और उसके बाद से तो गायब हो गई। भाई पुलिस ने मेरी स्टोरी पर यकीन कर लिया है। सही है भी, लेकिन कल जौनपुर से अम्मी अबू वापस आ रहे हैं, उनके सामने भी तगड़ी वाली एक्टिंग करनी पड़ेगी जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं। तूने जब फोन किया उन्हें तभी क्या बोले हो? बोले तो कुछ भी नहीं, लेकिन एकदम शॉक हो गए। ठीक है यार, बस पुलिस के सामने हम दोनों के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे वो। हाँ यार, तुम चलो मैं आता हूं। पराग, पराग उर्मिला वापिस आई क्या? नहीं चाचा, माँ अभी तक नहीं लौटी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बस माँ जहाँ पर भी हो जल्दी से वापस आ जाए। पराग और मैं चार चक्कर काट चुके हैं थाने के, पुलिस वाले कह रहे ढूंढेंगे ढूंढेंगे ढूंढेंगे, उसके आगे कुछ बोल ही नहीं रहे। लेकिन उर्मिला इतनी रात गए अकेले, कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। सही नहीं लग रहा मतलब? कुछ नहीं। तूने ढंग की एक्टिंग की है ना पुलिस वालों के सामने? हाँ हाँ, किसी को कोई शक नहीं होगा, और अभी माँ का कॉल रिकॉर्ड और फोन लोकेशन निकालने वाले वो लोग। मैंने चेक किया, गाजियाबाद के किसी भी लोकल चैनल या अखबार में कोई खबर नहीं है किसी लावारिस लाश के बारे में। तुम लोग ने लाश को सही जगह पे ठिकाने लगाया है कि नहीं? मिल जाएगी ना पुलिस को, कभी मिली नहीं तो? नहीं मिली तो क्या, ऐसी मिसिंग रहेगी। अबे अगर लाश नहीं मिली ना तो हमारी ये सारी प्लानिंग गई खड्डे में, समझ ले। तो फिर लाश मिलेगी पुलिस वालों को, तू टेंशन मत ले। दो युवक जिन्होंने पढ़ाई में मेहनत करके अपने फ्यूचर की सटीक प्लानिंग की थी, उन्हीं दोनों ने एक कत्ल की भी सटीक प्लानिंग की और उसे अंजाम भी दिया। अब वो उस प्लान के अगले पड़ाव को पार करने के इंतजार में थे, अपनी जिंदगी का अगला चैप्टर, अगला अध्याय लिखने को बेताब थे, पर इस बार प्लान उनकी परफेक्ट प्लानिंग के हिसाब से नहीं गया। हाँ गुन्नी, फोटोग्राफ मिल गया। दीपक वही लगती है जिसका फोटो तुमने भेजा था? हाँ, उर्मिला शुक्ला की बॉडी। दो दिन पहले 22 जून को एक सफाई कर्मचारी को एक कचड़े के ड्रम में लाश मिली थी। सर, ऐसे आपे कुछ नहीं मिला जैसे बॉडी की पहचान हो सके? पूरा एरिया स्कैन किया हमने, हमें और कोई सुराग नहीं मिला, फिर हमने उस लाश को मॉर्ग भेज दिया। उर्मिला शुक्ला की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी 22 जून को, और वो अपने घर से 21 जून की रात को निकली थी, शायद किसी से मिलने के लिए, तभी से गायब थी। सुनिए, ये निपटाना है, क्या निपटाने गई होगी उर्मिला? मुझे लगता है ये मसला उसके घर को लेकर कुछ होगा। अम्मी अबू, पराग को पुलिस का फोन आया था, उन्हें क्या हुआ? खबर मिली उर्मिला की? गाजियाबाद में लाश मिली है। तुझे बिल्कुल रियल में टूटना है, समझा? आंसू आंसू निकाल भर भर के, लगना चाहिए तेरी माँ मरी है माँ। तुझे बहुत जबरदस्त एक्टिंग करनी पड़ेगी दोस्त। हाँ कर लूंगा, और फिर जब वो पूछेंगे कि शक किस पर है तो ये भी बता दूंगा कि हमें किस पर शक है। हम कौन बे? तुझे शक है, तू ऐसा बोलेगा? देख मुझे ना बेकार में बीच में मत घसी। अबे सोए, लेकिन हम दोनों एक साथ है ना? हाँ है, लेकिन हम बोलकर उन्हें क्यों लीड दे रहा है? और देख, नाम भी तब लेना जब वो पूछेंगे, खुद से कुछ भी मत बोलना, कुछ भी नहीं। चल अब जा, मैं भी जाता हूँ, अम्मी अबू को बताता हूँ लाश के बारे में। तेरा भाई भी ना टॉप की एक्टिंग कर लेता है।
पराग, सो श्रुति ने तुझे डिच किया किसी और के लिए, तुझे छोड़कर चली गई किसी और के साथ। फील कर अंदर से, आंसू आने दे, गुस्सा दुख सब फीलिंग डाल दे एक साथ। श्रुति तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो? कैसे? कौन है वो? सो चुकी हो उसके साथ? धोखा दे रही हो मुझे? अरे क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम? तुम्हारी माँ है ना पराग? पराग पा, पा। पराग जिस रात ये घर से निकली थी उसी रात मारी मौत गला घोटने से हुई है इंस्पेक्टर। लाश मिलने के तकरीबन 10 घंटे पहले। लाश 22 जून की सुबह 7:20 पे मिली थी गाजियाबाद के डंपिंग ग्राउंड से। तो 21 जून की रात 11:30 और 12:30 के बीच मर्डर हुआ होगा। सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर इस मर्डर में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। वो कैसे डॉक्टर? ये देखिए, हाथों को किसी ने जकड़ कर रखा था, उंगलियों के क्लियर निशान है, पहला बंदा, और पैरों पर भी ताकत लगाकर पकड़ने के निशान है, दूसरा बंदा, और तीसरे गला घोटा। राइट सर, किसने मारा मेरी माँ को? किसने मारा और क्यों मारा? पराग संभालो अपने आप। पराग, हमें तुमसे कुछ डिटेल्स लगेंगी। लेकिन उस रात माँ बाहर गई क्यों थी? क्यों गई थी माँ बाहर? क्यों माँ? पराग और सोहेल ने इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा में भेजा था। पूरी प्लानिंग के साथ इस दिशा को तैयार किया गया था सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए। प्लानिंग काफी बारीकी से की गई, सटीक हुई थी, पर उतनी भी नहीं कि इन दोनों लड़कों के चरित्र पर और उनके इरादों पर शक और सवाल कभी नहीं उठते। यार सोहेल ने तो कहा था उसके फादर का फर्नीचर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और पराग ने बोला था उसकी मॉम पार्टीज के लिए केटरिंग करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा श्रुति, बड़ी गरीब टाइप के लोग लग रहे थे। मतलब हमसे झूठ बोला? हाँ, और जितनी भी आपकी सारी बातें बोली है सब झूठ बोली होंगी। जिस आदमी को पराग और सोहेल पुलिस की नजरों में संदिग्ध बनाने की प्लानिंग कर चुके थे, वो आदमी स्वाभाविक तौर पर पुलिस की तहकीकात में सामने आने ही वाला था। तब जब पुलिस उर्मिला का बैकग्राउंड चेक करती, उसके मूवमेंट्स ट्रैक करती। उर्मिला शुक्ला का फोन रात तकरीबन 12:15 स्विच ऑफ हुआ था कार्तिक नगर में। ये अपनी दिल्ली वेस्ट वाला कार्तिक नगर? हाँ सर, वही। उर्मिला कार्तिक नगर में किससे मिलने गई होगी और क्यों? पराग, मेरे जौनपुर वाले चाचा सीरियस है। 21 तारीख की सुबह को मेरे अम्मी अब्बू वहाँ जा रहे हैं। 21 तारीख की रात को सही टाइम होगा। परफेक्ट टाइम होगा। तुम दोनों अपना अपना फोन घर पर ही छोड़ कर आना। लकी, तू टैक्सी लाएगा तेरी, फिर तुम दोनों मेरे घर पर आ जाना, हम मिलकर उसे खत्म कर देंगे। फिर सोहेल और मैं लाश को गाजियाबाद ले जाएंगे और वहाँ पे कहीं छोड़ देंगे। और जाते समय माँ का फोन साथ में लेकर जाना, उसे कार्तिक नगर में स्विच ऑफ कर देना और वहीं का ही आसपास में फेंक देना। लेकिन कार्तिक नगर ही क्यों? क्योंकि पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स निकालेगी और लोकेशन रिपोर्ट्स भी निकालेगी, देखेगी कि फोन कार्तिक नगर में स्विच ऑफ हुआ है तो वहीं पर ढूंढेगी। फोन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, और उनका शक यही बना रहेगा कि कातिल कार्तिक नगर का, वहीं पर मिलेगा उन्हें उनका संदिग्ध। कार्तिक नगर? हाँ कार्तिक नगर, तुम्हारी माँ कार्तिक नगर गई थी। पर क्यों सर, वहाँ किसे मिलना था उसे? हमसे बेहतर तुम बता सकते हो। सर मैं कार्तिक नगर में किसी को भी नहीं जानता हूँ, और मुझे लगता है कि माँ भी वहाँ पे किसी को नहीं जानती होगी। मैंने कभी पहले माँ के मुँह से कार्तिक नगर का नाम भी नहीं सुना है। पर ये ओम प्रकाश शुक्ला कौन है? प्रकाश शुक्ला सर, वो साहब हम लोगों को भी इसी ओम प्रकाश पे शक हो रहा है। अपने बेटे पराग और सप्लायर्स के अलावा
उर्मिला की ओम प्रकाश के साथ पिछले महीने में काफी बातें होती रहती थी। या अल्लाह, इसी बात का डर था हमें। ये निपटाना है, क्या निपटाने का ही होगी उर्मिला? मुझे लगता है ये मसला उसके घर को लेकर कुछ होगा। घर का मसला? पर कैसे? कैसे मतलब? देखा नहीं तुमने, जब से ये ओम प्रकाश लौटा है उर्मिला की जिंदगी में कैसा बखेड़ा खड़ा कर रहा है। ओम प्रकाश उर्मिला का शौहर है, पर सालों पहले उसे छोड़कर चला गया था। ये ओम प्रकाश कार्तिक नगर में ही रहता है। ओम प्रकाश शुक्ला सर, वो मेरा ऐसा बाप है जिसने ना कभी अपनी जिम्मेदारियां निभाई, ना कभी प्यार दिया। वो ऐसा पति है जिसने अपनी पत्नी को, मेरी माँ को छोड़ दिया, ठुकरा दिया सर। और वहीं पे मिलेगा उन्हें उनका संदिग्ध, ओम प्रकाश शुक्ला। वाह भाई वाह, हमें सीधा स्टेडियम के बाहर मारा बे। साथमी ने मारा है मेरी माँ को, ओम प्रकाश शुक्ला ने मारा है शायद, लेकिन क्यों मारा? कोई कारण था माने जैसा? उर्मिला और ओम प्रकाश के बीच कुछ मसला था, आप लोगों ने उसका नाम क्यों लिया? क्योंकि वो उर्मिला को परेशान करने लगा था। उसकी नजर घर पर थी, घर हड़पना चाहता था। तुम्हारे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, आइंदा मत आना। कोई खुशी खुशी नहीं आ रहा हूँ, ना तो मैं दुखी करने आया हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। उर्मिला घर बेच देते हैं, आधा आधा कर लेंगे। मुझे ये घर बेचना ही नहीं है। जब हम लोग अलग हुए थे ना, तो मैंने तुम्हें घर दिया था रहने के लिए, कोई नाइंसाफी नहीं की थी तुम्हारे साथ। आज जब मुझे पैसे की जरूरत है तो तुम मदद करने से इनकार कर रही हो, तुम नाइंसाफी नहीं कर रही हो मेरे साथ? नाइंसाफी मैं कर रही हूँ नाइंसाफी? और तुमने जो किया था वो इंसाफ था? बहुत अच्छे, मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ गए थे, वो इंसाफ किया था तुमने? रहने दो इन सब बातों, ये घर अब तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा और मेरे बेटे का है। इस घर पर और हमारी जिंदगी पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। मैं कहाँ जाऊंगा उर्मिला? यही पूछा था ना मैंने तुमसे, गिड़गिड़ाया भी था जब तुम उस रेशमा के पास चले गए थे। वो तुम्हें वो दे सकती है जो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती ना, यही कहा था ना जाते जाते तुमने। तो अब जाते जाते ये भी सुन लो, मैं तुम्हें जो नहीं दे सकती ना वो ये घर है। जाओ यहां से वापस। इतना सब सुनकर तुम पिघल रही हो उर्मिला, अपने पर टिकी रहो। पर बार बार फोन आ रहा है उसका इकबाल भाई, तो मत उठा उसका फोन, ब्लॉक कर दे, आसान होता है, फोन दे हम सिखा देते हैं। समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ना बोलना भी ठीक नहीं लगता, यादें जुड़ी हैं उसके साथ। कैसी यादें? हमारे सामने छोड़कर चला गया तुम, कहीं का नहीं छोड़ा। और अब ये मत कहना कि जो भी है जैसा भी है तुम्हारा पति है। ये ओम भाई मतलबी आदमी है और लालची भी। मुझे तो लगता है सारे पैसे उस रेशमा को देने की फिराक में है, उस डायन ने ही भेजा होगा उसे यहाँ। और एक बेटा भी है ना, विकास। अब ये रेशमा और विकास के चक्कर में ओम भाई फिर से तुम्हारी जिंदगी का सत्यानाश करने आ गए। खुद के बारे में सोचो उर्मिला, खुद के और अपने साथ अपने बेटे पराग के, ठीक है? असर नहीं हुआ होगा हमारे नसीहतों का, बहक कर चली गई होगी ओम के पास। वैसे घर के कागजात ओम भाई के नाम पर थे, हो सकता है उर्मिला ने कुछ ज्यादा मांग लिया हो, इसीलिए मार डाला होगा उर्मिला को ओम भाई ने। पराग, पराग बेटा, अरे पराग? सुनो तो पराग, पराग टूट सा गया है बेचारा। अरे भाई प्लान काम कर गया हमारा, मतलब छक्के पे छक्का। एक तूने सुना नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं, और इतना फ्रंट फुट पे खेलेगा ना तो छक्के की जगह सीधा बोल्ड हो जाएगा। अबे कुछ नहीं होगा, चल कैरेक्टर में रह भाई, तू टूटा हुआ है, तेरी माँ मरी है, अबे मर्डर हुआ है उसका, जो मैंने उस दो टके के निकम में बाप ने किया है। और पुलिस भी यही समझेगी और यही चीज मान के चलेगी, क्योंकि ऐसा मैं चाह रहा हूँ या हम बोलो इस बार। तू बोल, मैं बोल, हम बोल, कुछ भी बोल बेटा, अगर तू फंसाना तो मैं भी फंसूंगा और वो लकी भी। अरे अब कौन फंसाएगा हमें? वही जिन्हें फंसाने में हमने पूरा एक साल लगा दिया और पैसे एकदम पानी की तरह बहाए, मेरी जीनत और तेरी श्रुति। हेलो हेलो,
माना हम लोगों ने सफ़ेद झूठ बोला है तुमसे, लेकिन वो पूरी तरह झूठ भी तो नहीं है ना। मैं कारपेंटरी की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करूँगा, पराग रेस्टोरेंट खोलेगा टॉप क्लास की पूरी चेन। वो सब ठीक है, लेकिन अभी तुम दोनों क्या हो, हमने अपनी आँखों से देख लिया है। क्या है? हाँ, चोर लुटेरे डकैत हैं, सिर्फ गरीब है ना, मेहनत करने वाले ईमानदार गरीब, सिर्फ इस वजह से तुम हम लोगों को छोड़ कर जाओगी, नीचा दिखाओगी हमारे माँ बाप को। हमारा ये मतलब नहीं था, हम किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहते। हमें बस ये जानना है कि तुम दोनों ने हम पर आज तक जितना भी पैसा खर्चा किया है, खास करके डीटी रिसोर्ट पर, वो आए कहाँ से? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे अब्बू के फॉर्म में तुम्हें अलाउंस मिलता है, वो झूठ था। तो सच क्या है सोहेल, हमें जानना है। मैं आज ही पराग से जाकर पूछूं। अरे रहम करो यार उस बेचारे पे, वो अपनी माँ के मौत के गम में वैसे ही चूर चूर है। वो सब हम समझ रहे, इसलिए तुम दोनों से आज तक कुछ नहीं पूछा, पर अब हमें डाउट हो रहा है। डाउट हो रहा है? कैसा डाउट? यही कि तुम दोनों के पास जो पैसे आते थे वो गड़बड़ वाले पैसे थे, और हमें किसी भी तरह के गड़बड़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, और खास करके तब जब पराग की मॉम का मर्डर हो चुका है। लेकिन उसका हम लोगों के रिलेशनशिप से क्या मतलब? सोहेल, रिलेशनशिप जो झूठ की नींव पर खड़ी हो वो रिलेशनशिप ही नहीं होती। अरे इतनी भी क्या चर्बी चढ़ गई है उन्हें, जब पैसे खर्च कर रहे थे तब तो कुछ नहीं बोले, अब अचानक से प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? अमीर बाप की लौंडिया है ना। अबे माँ ने FD किया पूरे 2.5 लाख रुपए की, जो अब मेरे नाम पे होने वाली है। और वो दिवाकर है ना मेरे दुकान के बगल में चाय वाला, उसने बोला कि ठेला वो संभाल लेगा, अभी महीने के 10,000 रुपए देने को तैयार है वो। हाले जिंदगी अभी सेट होने वाली थी और इन्होंने नौटंकी शुरू कर दी। देख मैं समझा तो देता, पर उन्होंने तेरे माँ की मर्डर की बात शुरू कर दी तो मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। पर पराग, पुलिस हम पर शक करते करते जीनत और श्रुति के पास पहुँची, और उन दोनों ने हमारे खर्चे और हमारे झूठ के बारे में उल्टी कर दी, तो अपना वो चैप्टर खुलेगा जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। यार सोहेल डरा मत तू अभी प्लीज। मैं डर रहा हूँ तो तू क्यों नहीं डरेगा? और वैसे भी यहाँ सिर्फ यही प्रॉब्लम थोड़ी ना है। और क्या प्रॉब्लम है? लक्की बहुत दिमाग चाट रहा है वो आजकल मेरा। यार मैं इतना ही कह रहा हूँ कि पराग अपना घर बेचेगा, उसको उसके पैसे मिलेगा, वो मेरे 2 लाख रुपए दे देगा, ठीक है मानता हूँ, लेकिन अभी के लिए कुछ तो दो यार। यार हमारी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है इस बात को लेकर, और तूने माना भी था कि तुझे तेरे हिस्से के पैसे तभी मिलेंगे जब ये सारा मामला ठंडा हो जाएगा, यानी कि मेरा घर बिकने के बाद। यार और वो बहुत जल्दी होने वाला है लक्की, पुलिस उस ओम प्रकाश के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है भाई, हम किसी भी रडार में नहीं है दूर दूर तक भाई, 1-2 महीने की बात है यार लक्की। यार मैंने तुम लोग का साथ दिया, प्लान के आखिर तक तुम लोग के साथ में था, मेरी गाड़ी यूज हुई, जेब खर्च के लिए 20,000 तो दो, चलो 15,000 ही सही। अच्छा 15 नहीं, मैं तुझे पूरे 20,000 रुपए दूंगा, लेकिन अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते में मेरी माँ की FDs मेरे नाम पे हो जाएगी भाई, यार तब तक थोड़ा शांति रख प्लीज। और लकी ये बात मत भूल कि हम एक साथ है, एक टीम में है। पराग इधर आ। तेरे बाप को पुलिस पकड़ेगी और तबीयत से तोड़ेगी, और अगर उसने नहीं किया है जो कि हम जानते हैं नहीं किया है, तो वो कबूल नहीं करेगा, और पुलिस समझ जाएगी कि कातिल वो नहीं है। तो तू कहना क्या चाहता है? यही, पुलिस तब दूसरे एंगल से सोचना शुरू कर देगी, पर आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, गवाहों सबूतों सवालों सबके साथ, इससे पहले कि पुलिस खोदते खोदते पराग तक पहुँचे, इसे रेडी रहना होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा यार भाई, नेगेटिव नहीं सोचते। नेगेटिव की बात नहीं है यार सोहेल, लकी सही कह रहा है, अपने को रेडी होना होगा। इसलिए और किस चीज के साथ भाई? एक नए कातिल और एक नए एंगल के साथ। और किस पर उंगली उठाएंगे? अच्छा सुन, तेरी माँ का किसी के साथ अफेयर उफेयर है क्या? क्या बकवास कर रहा है यार सोहेल? भाई देख मर्डर ना या तो प्यार या दुश्मनी में होता है या किसी लालच में, अब ये बता इन तीनों में से कोई सा एंगल तेरी माँ की लाइफ में डाल सकते हैं? तेरे अम्मी अब्बू। मैंने बकवास की तो तू भी बकवास करे। अबे मेरे अम्मी अब्बू को बीच में मत घसीट भाई। मैं घसीट नहीं रहा हूँ यार सोहेल, मैं उन्हें भी तेरी और मेरी जिंदगी से बाहर निकाल रहा हूँ, जैसा मैंने मेरी माँ को निकाला, और जब तक वो दोनों है ना हमारे हाथ साला हमेशा बंधे ही रहेंगे। पराग चल एक सेकंड के लिए ये मैं भूल जाता हूँ कि वो मेरे अम्मी अब्बू है, और हम उन पर डाल भी देते, पर लॉजिक कहाँ है भाई? जिस दिन मर्डर हुआ था ना उस दिन तो वो जौनपुर गए थे ना, तभी तो 21 की रात को हमने सेटलमेंट की थी इस चीज़ की, भूल गया? देख दोस्त वो तेरा बाप है? बाप नहीं है वो मेरा ओम प्रकाश। हाँ वो ओम प्रकाश, वो ओम प्रकाश टूटेगा भाई, पुलिस इतना मारती है ना, इतना मारती है ना कि साला कोई कुछ भी कबूल लेता है, और पुलिस के पास तो अब बहुत सारे प्रूफ है ना, फोन रिकॉर्ड है, फोन लोकेशन रिकॉर्ड है, सब कुछ तो है भाई। देख ओम प्रकाश टूटेगा, हमें किसी और एंगल को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। बोल ओम प्रकाश, कैसे मारा अपनी पत्नी उर्मिला को? बोल। बातों सुनो साहब,
वो थक के हार के कबूल करेगा ही करेगा। मैंने मारा साहब, मैंने मारा। क्यों मारा ये बोल। क्योंकि साहब वो ना घर नहीं बेच रही थी और नहीं मुझे पैसे दे रही। पॉजिटिव सोच पॉजिटिव, नेगेटिव को दिमाग में आने ही मत दे। क्या बोल रहा है? हाँ बोल हाँ, वो भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। देख दोस्त, इस मर्डर की स्क्रिप्ट हमने खुद लिखी है और सही लिखी है, और जैसा लिखा है वैसा वैसा हो रहा है और आगे भी वैसा ही होगा। बस तू कॉन्फिडेंस के साथ रह, क्योंकि कॉन्फिडेंस ना बहुत कुछ होता है दोस्त। इन दोनों युवकों को पूरा भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि उनकी साजिश रंग लाई थी। वो ये मानकर चल रहे थे कि ओम प्रकाश शुक्ला उनके प्लान के हिसाब से कातिल साबित होगा, लेकिन इन दोनों के लिए एक नहीं बल्कि दो दो झटके इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ऐसा था जो पराग शुक्ला को तन मन और आत्मा की गहराई से झकझोर कर रख देने वाला, और ये झटका उसके पहले अध्याय के पन्नों में छुपा रहा। ओम प्रकाश शुक्ला यहीं रहता है? क्या चाहिए आपको? ओम प्रकाश चाहिए। ये कब हुआ? एक हफ्ते पहले, 20 जून को। आप मेरे पापा को क्यों ढूंढ रहे हैं सर? तुम्हारे पापा की पहली पत्नी उर्मिला शुक्ला का 21 जून की रात को मर्डर हो गया। देखिए हमारा इस सबसे कोई लेना देना नहीं, और मैं तो कभी उर्मिला से मिली तक नहीं। लेकिन ओम प्रकाश मिल रहा था, बात हो रही थी। ओम प्रकाश की डेथ कैसे हुई? कैंसर, 1 साल से था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास। विकास के पापा ने कितनी मिन्नतें की थी उस उर्मिला से कि घर बेचकर आधे पैसे दे दे, लेकिन नहीं दिया उसने। 21 जून की रात को उर्मिला यहाँ आई थी? वो यहाँ क्यों आने लगी? और मैंने कहा ना कि मैं तो उस उर्मिला से कभी मिली तक नहीं। विकास तुम मिले हो कभी उर्मिला से? नहीं। अपने सौतेले भाई पराग से कभी मिले हो? मेरा कोई भाई भाई नहीं है। वो पराग या जो भी है वो तो ओम प्रकाश का बेटा भी नहीं। बेटा भी नहीं है मतलब? नहीं है मतलब मुझे नहीं पता है या नहीं। अभी तो बोला नहीं है। देखिए जब मैंने ओम प्रकाश से शादी की थी उसने मुझे कहा था कि उसकी एक पत्नी थी जिसे उसने छोड़ दिया, कोई बेटे बेटे की बात नहीं हुई थी कभी। अगर 20 जून को ही मर गया था ओम प्रकाश तो वो हमारा सस्पेक्ट नहीं हो सकता। हाँ सर, लेकिन मेन बात ये है कि उर्मिला कार्तिक नगर क्यों आई थी और किससे मिलने वाली थी? अरे मुझसे पहले पूछ लिया होता, मुझे तो पता था कि ओम भाई का देहांत हो गया। और तो और मैंने यह बात उर्मिला भाभी को बताया था कि ओम भाई नहीं रहे। क्या उर्मिला को पता था? हाँ, मुझे जैसे ही पता चला कि ओम भाई का देहांत हो गया मैंने उर्मिला भाभी को फोन भी किया था। पर हमें तो कुछ नहीं बोला उसने, तो गांव जाने की तैयारी में थे, शायद इसलिए नहीं बताया होगा। हेलो इकबाल, ये जो पराग है क्या ये ओम प्रकाश का बेटा नहीं है? ये सच है कि पराग ओम का बेटा नहीं है, लेकिन ये बात हमसे किसने बताई? नहीं, पराग ने भी नहीं बताया, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है हमसे। अब छुपाया तो नहीं साहब, लेकिन ये बात मायने नहीं रखती, इसलिए जहन में नहीं आई। क्या बात मायने रखती है, क्या बात मायने नहीं रखती है, ये हम तय करेंगे। पराग के बाप का नाम क्या है इकबाल? उर्मिला का कोई पहला पति भी था? जी, पूरा मोहल्ला जानता है इस सच्चाई को, लेकिन कभी किसी ने पराग को बताया नहीं और शायद उसे भी नहीं मालूम है। बाप का नाम बोलो इकबाल। वो उर्मिला जब पराग 4-5 महीने का था तो उसे घर ले आई। 4-5 महीने का था मतलब ये पराग उर्मिला का बेटा भी नहीं है? जी नहीं, उर्मिला उसे घर ले आई और कहा कि ये उसका बेटा है, उसकी जान है। उर्मिला ये बच्चा किसका है? इसकी माँ इस नन्ही से जान को नदी में फेंकने जा रही थी इकबाल भाई। लेकिन ये बच्चा तेरे पास कैसे आया उर्मिला? और कोई माँ अपने बच्चे को इस तरह नदी में कैसे फेंक सकती है? सच बोल उर्मिला, सच यही है, भगवान ने इसे मेरी गोद में डाला है, मुझे जीने का एक मकसद दिया है। दरअसल हमें मालूम नहीं था साहब कि उस सुबह उर्मिला अपनी जान देने गई थी।
हम दोनों ही बहुत डरे हुए थे। मुझे लगा कि वो भी कूदने आई इस बच्चे के साथ, और मैं इसलिए कूदने चली थी कि मेरा कोई बच्चा नहीं। क्या क्या करने चली थी तू? तुझसे मतलब? चल अपना रास्ता नाप चल। तू इस बच्चे के साथ कूदने जा रही थी? कहाँ ना, दखल मत दे, चल यहाँ से। तू क्यों मरना चाहती है? तेरे तो बच्चा है ना, दिमाग खराब है तेरा? मैंने भी देखा है तुझे, यहाँ तू हवा खाने तो आई नहीं है, कूदने ही आई है ना? वो इसलिए क्योंकि मेरे कोई औलाद नहीं है, और ना कभी हो सकती है। मेरा पति मुझे छोड़कर इसीलिए चला गया। ये ओम प्रकाश उर्मिला को छोड़कर चला गया शादी के 7 साल बाद। एक बार उर्मिला पेट से भी थी, लेकिन गर्भ ठहरा नहीं, बच्चा गिर गया। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता उर्मिला, तो मुझे बच्चा नहीं दे सकती है तो बस अब अलग होते हैं। तुझे गांव लौटना है, जो करना है कर। तुमने किसी और से रिश्ता जोड़ा है ना? अब ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। कोई रिश्ता है ना? बोला ना, बात नहीं करनी है। बोलो ना, कोई रिश्ता है ना? हाँ है। जो वो मुझे दे सकती है ना, वो तू मुझे कभी नहीं दे सकती है। बात आ रही समझ में? कूदने वाली थी, बल्कि इस मासूम को नदी में फेंकने आई थी। क्या? लेकिन क्यों? क्यों से तुझे क्या मतलब है? हाँ, तुझे कूदना है तो कूद, मैं मुंह फेर लेती हूँ। तो इस बच्चे को इसलिए फेंकना चाहती क्योंकि ये लड़की है? अबे ओ, लड़का है समझी? कितना प्यारा है ये, क्यों मारना चाहती हूँ इसे? क्योंकि मुझे नहीं रखना है इस मुसीबत को। क्या करूंगी मैं इसका? बाप कौन है इसका? एक ग्राहक था, कहता था मुझसे प्यार करता, शादी करेगा मुझसे साला। डाल के चला गया इसको मेरे पेट में। जब मैंने बोला कि मैं पेट से हूँ, शादी कर लेते हैं, तो हाना हाना करने लगा और फिर अचानक गायब हो गया। 4 महीने हो गए इस मुसीबत को, इसकी वजह से ना कुछ धंधा कर पा रही हूँ ना कुछ और। पर इसमें इस मासूम की क्या गलती है? इसे क्यों मारना चाहती हो तू? चल अब भाषण मत दे समझी। अगर इतना ही तरस आ रहा है ना इस मासूम पे, तो ले ये ले, तू रख रख तू इसे। और सुन, मुझे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करना, और पुलिस के पास तो जाना ही मत, क्योंकि मिलूंगी नहीं मैं। सोच रुखसाना, मैं कूदने गई थी और वो इस बच्चे को फेंकने आई थी एक ही समय पर। ये भगवान की लीला नहीं तो और क्या है इकबाल भाई? उर्मिला ने उस बच्चे का नाम पराग रखा और खुद की औलाद की तरह प्यार किया, पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। इकबाल, ओम प्रकाश उर्मिला से एक दिन पहले ही मर गया, तो उर्मिला को किसने मारा और कौन हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा साहब, हम सोचते थे कि ओम भाई ने उसे घर के लिए मारा होगा, और किसी से तो उसका बैर ही नहीं था। दिन रात मेहनत करती थी, एक एक पैसा जुटाती थी, और पराग में तो जान अटकी थी उसकी। पराग को अपनी ही जिंदगी के पहले अध्याय की पूरी सच्चाई इतने सालों बाद पता चली थी। अब तक बिना किसी अफसोस या दोषी भावना के जुर्म के रास्ते पर चला था पराग, और अब वही पराग पछतावे के भंवर में डूबने लगा था। कहाँ था बे? और तेरा फोन भी ऑफ है। मैं समझ सकता हूँ यार, तेरी लगी पड़ी है जानकर कि तुझे पहले से पता था सोहेल। नहीं यार, मुझे भी आज ही पता चला है। ये क्या कर दिया यार मैंने, क्या कर दिया मैंने? भाई घोड़ा दब चुका है, गोली फायर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। वो मैं दरअसल ये बताने आया था कि मोहल्ले में पुलिस आई थी, तेरे घर भी आई थी, ढूंढ रही थी तुझे, कुछ बात करना है तुझसे। यार वो लकी मनुष की बात ना एकदम सच निकली, साला ओम प्रकाश वाला एंगल बना ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, चल छोड़, तुझे ना अब डट के सामना करना है, एक नया चैप्टर खोलना होगा। सुन रहा है ना पराग? बेचारे पराग को हमें ही संभालना होगा,
एक तो माँ को खोना, उसके बाद इस खबर का सदमा। हाँ, बेचारे के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ। लेकिन रुखसाना, उर्मिला को किसी ने मार डाला, वो कार्तिक नगर क्यों गई होगी? कहीं वो दूसरी औरत रेशमा और उसका बेटा, उन्होंने तो कुछ नहीं किया होगा। जाहिर तौर पर पुलिस को भी रेशमा और विकास पर शक हुआ, पर साफ तौर पर इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कुछ मिलने वाला नहीं था जिससे पुलिस उर्मिला के कत्ल से उन्हें जोड़ पाती। दरअसल ओम प्रकाश की बीमारी से मौत होना पराग और सुहेल के प्लान को भंग कर गया। पराग, हमने रेशमा और उसके बेटे विकास को काफी घबरा दिया, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि तुम्हारी माँ के कातिल नहीं। तो फिर और कौन हो सकता है पराग? तुम्हारी माँ का कार्तिक नगर जाने का क्या कारण था? ओम प्रकाश तो एक दिन पहले ही गुजर गया था और तुम्हारी माँ को इस बात की पूरी जानकारी थी। पराग, तुम्हारी माँ उस रात को घर से निकली भी थी या नहीं? निकली थी। किससे मिलने? आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक नहीं, दो थे, शायद तीन थे हत्यारे। पर तुम वाकई में चाहते हो ना तुम्हारी माँ के हत्यारे पकड़े जाए? तो फिर ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माँ अपने पति ओम प्रकाश के अलावा किसी बाहर वाले के साथ टच में नहीं थे। इकबाल और रुखसाना हो नहीं सकते क्योंकि वो दिल्ली में ही नहीं थे। तो फिर और कौन हो सकता है? मुझे नहीं मालूम सर। इतने सालों का मेरा तजुर्बा और इस केस की हकीकत यही कहती है कि उस दिन तुम्हारी माँ कार्तिक नगर गई नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ का फोन जरूर कार्तिक नगर गया था। मेरा मतलब फोन को कार्तिक नगर भेजा गया था हमें गुमराह करने के लिए। उसके बाद तुम्हारी माँ की लाश को गाजियाबाद फेंक दिया गया ताकि हमें लगे कि ओम प्रकाश ने तुम्हारी माँ का कत्ल किया है, उसके बाद लाश को ठिकाने लगा दिया। कातिल दो या तीन जितने भी थे जिन्होंने साजिश रची, इतना पक्का है कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ओम प्रकाश एक दिन पहले ही गुजर गया। इकबाल और रुखसाना हो नहीं सकते क्योंकि अगर वो होते तो उनके कॉल रिकॉर्ड्स में कम से कम एक कॉल तो होता, लेकिन ऐसा कोई कॉल नहीं है। तो क्या इतनी रात को तुम्हारी माँ अचानक खुद से उठ के कार्तिक नगर चली गई? पराग, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही तुम्हें सब? पराग आउट हो गया है, क्या हो गया उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे को मेरा पैसा चाहिए बस। अबे मेरे को नहीं चाहिए क्या? लेकिन आएंगे कहाँ से? पराग घर बेचेगा, एफडी तोड़ेगा तभी ना। पर यार वैसे भी है ना, अभी पराग की लगी पड़ी है यार। यार तो मैं क्या करूँ, नाचूं? अरे कब से हॉर्न बजा रहा था, कब से लाल बत्ती दिखा रहा था कि एक एंगल से चिपक के मत बैठो। कांड किए हैं, चार पांच एंगल सोच के रखो, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला है नहीं है। अब मेरा पैसा लगे दे यार बस। क्या वही वही बोले जा रहा है बे? ऐसे बोलने से क्या ऊपर से बरसेंगे क्या एटीएम की तरह पैसे? थोड़े दिन करके कितना दिन चाहिए तुम लोगों को यार? मेरी गाड़ी यूज हुई, मेरा प्लान तक मैं साथ में था तुम लोगों के। अरे कुछ तो सोचो यार मेरे बारे में। तो थोड़े दिन रुक जाना। बोल, इधर जवाब देना देख के। पड़ोसी और लंगोटे यार सोहेल को तो आप जानती हैं, ये उनके स्कूल का तीसरा दोस्त लकी टैक्सी चलाता है। पराग सुन, अपने मोहल्ले के शरद काका है ना, उन पर डाल देते इल्जाम। हाँ, उर्मिला आंटी की बात भी होती थी उनसे बहुत। तू बोलेगा कि अफेयर था, और तू पुलिस को पहले ये बोलेगा कि तुमने पहले इसलिए नहीं बताया ये बात क्योंकि तू नहीं चाहता था कि माँ के मरने के बाद उनकी बदनामी हो। नहीं भाई नहीं, कंधे नहीं गिराते हैं। पुलिस वालों की नज़र बहुत तीखी होती है भाई, वो एकदम पहचान लेंगे तेरी बॉडी लैंग्वेज। और तेरी बॉडी लैंग्वेज अभी चीख चीख कर ये बोल रही है कि मैं हूँ कातिल, मैंने मारा अपनी माँ को, लटका दो मुझे। पराग पराग, अगर तू गया ना तो मैं भी गया, और वो लकी भी। हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले, जो हो गया सो हो गया, वो नहीं बदला जा सकता। अब अपनी जिंदगी जीनी है आगे। काफी टेंशन लग रही थी दोनों के बीच में, जरूर कुछ पकाया था इन्होंने। ये सोहेल की गर्लफ्रेंड जीनत और पराग की गर्लफ्रेंड श्रुति मर्डर से पहले काफी फेमस थे कॉलेज में, मर्डर के बाद ब्रेकअप समझो। मुद्दा पराग की माँ के मर्डर का। उर्मिला घर से निकली नहीं होगी, कार्तिक नगर पहुंची नहीं होगी, सब प्लानिंग है। सही गणित लगाया साहब, शायद यही नतीजा सही है।
चल पराग, तेरे मां के कातिलों का पता चल गया। जी जरा अपने बेटे सोहेल को बुलाइए। सोहेल इधर आना बेटा। हाँ अबू। सोहेल, पराग के मां के कातिलों का पता चल गया? कौन कौन है साहब? तीन लड़के, उसमें से एक तो आपका बेटा सोहेल ही है। ये क्या बात बोल रहे हैं साहब? साहब आप लोग मुझे फंसा रहे। चल साहब 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 साहब। गाड़ी में पराग भी बैठा है, वो भी ये कह रहा था। और वो तीसरा लड़का लकी तिवारी, उसका भी यही कहना है। चले सर, सर, सर। चल 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 चल, सीधा खड़ा रहे। लेकिन सब कुछ बता दिया भरपूर कुटाई के बाद, अब तुम दोनों ये डिसाइड कर लो कि ऐसे ही बताना है या फिर तुम दोनों को भी कुटाई चाहिए। मेरी मां का मर्डर मैंने किया। क्यों? वो घर बेच के सारा पैसा उस ओम प्रकाश को देना चाहती थी। वही बेटा है ना जिसे अब तक संभाला मैंने, बड़ा किया। तू भी वही मां है ना जो मुझे बोलती थी कि मेरा बाप एक बहुत भला और नेक इंसान है जो चल बसा। तू ही सोचना, झूठ बोलना और छुपाना किससे सीखा है मैंने, सोच। पराग, पराग, एक बात कान खोलकर सुन ले। मैं ये घर बेचकर आधे नहीं पूरे पैसे ओम प्रकाश को दे रही हूँ ताकि उसके इलाज में काम तो आए, और तुझे एक पैसा नहीं दूंगी, और तब तक नहीं दूंगी जब तक तू नहीं बताएगा कि तू और सोहेल करते क्या हो। इतना तो पता है मुझे कि तुम दोनों बहुत गलत कर रहे हो। अरे बदल गए हो तुम पराग, माँ हूं तुम्हारी, दिखता है मुझे। बोलो क्या करते हो तुम दोनों? आखिरी मौका दे रही हूं, सच सच बताओ इतने पैसे कहां से आए, वरना मैं पुलिस में जाऊंगी। सर, सर मैं अपनी टैक्सी से लाश को गाजियाबाद लेके गया था सोहेल के साथ। उसके बाद मुझे इनके कांडों के बारे में कुछ नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूं सर। सोहेल बाकी के कांड क्या थे? पराग इतने सारे पैसे कहां से आए? सोहेल, पराग, बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही, वरना तुम्हारी हालत भी ऐसी हो। शांति, ये देखो यही है वो लड़का जिसको मैंने अतुल की फिरौती दी थी। हाँ पापा, यही था वो जिसने कहा था कि तेरी मामी का फ्रैक्चर हो गया है, अपने साथ लेके गया था। देखो क्या कर दिया इन्होंने, एक औरत का कत्ल जो इनके ही गैंग के एक लड़के की मां थी। पराग और सोहेल के जुर्म का हर अध्याय खोला गया जिसमें किडनैपिंग और ब्लैकमेल भी शामिल थे। उनके विक्टिम्स को भी झटका लगा जब उन्हें पता चला कि ये दोनों अब मर्डर कर चुके थे। इन दोनों से जुड़े सभी लोगों को इनकी हरकतों से घिन आई, खासकर उन दोनों को जो इन दोनों के काफी करीब आ गए थे और जिन पर खर्चा करने के लिए ये दोनों जुर्म के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। पर सबसे बड़ा सदमा पराग और सोहेल के सबसे करीबी लोगों को लगा। एक बार हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे, सबूत गवाह सब कुछ यही साबित कर रहे हैं। पराग, सोहेल और लकी, इन्होंने कबूल भी कर लिया, और हमने उन लोगों से भी बात की है जो पराग और सोहेल के ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग के विक्टिम थे। साहब वो दोनों कत्ल नहीं कर सकते, पराग अपनी माँ को नहीं मार सकता साहब, बिल्कुल नहीं, वो तो उर्मिला पे अपनी जान छिड़कता था। और ना हमारा सोहेल ऐसी हरकत में साथ दे सकता है। देखिए मैं समझ सकता हूँ कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए मानना, पर सच यही है, इन तीनों के स्टेटमेंट है हमारे पास। लकी की टैक्सी से हमने उर्मिला के बाल वगैरह इकट्ठे किए हैं जो उर्मिला के डीएनए से मैच किए जाएंगे, टेस्टिंग के लिए भेज दिए। बहुत जल्द अब इसमें दो राय नहीं होगी कि इन तीनों ने मिलकर ही उर्मिला शुक्ला का बेरहमी से कत्ल किया। जुर्म के सफर का ये आखिरी अध्याय कभी बदलता नहीं। जुर्म की राह पर चलने के पहले के सारे चैप्टर्स बदले जा सकते थे, अलग स्याही से लिखे जा सकते थे, लेकिन एक बार गुमराह होकर उन्होंने अपना रुख ही बदल दिया तो बस सड़क ही एक तरफा हो गई और जुर्म के पहले अध्याय नहीं आखिरी अध्याय को लिख दिया। क्राइम नेवर पेस। कुमार अवस्था कभी रुई जैसी नाजुक,
तो कभी ज्वालामुखी जैसी विस्फोटक होती है। शरीर में हार्मोन्स उधम मचाते हैं और बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तौर पर टीनेजर्स को अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर और एक्सप्रेस करने की तीव्र इच्छा होती है। लेकिन इस दौर की हदें क्या है, वो कौन सा कदम लेने से पहले रुकना है जिससे खुद को और दूसरों को नुकसान और तकलीफ हो सकती है, इसे समझाना और टीनेजर्स को गाइड करना ये हम पेरेंट्स का दायित्व है, ड्यूटी है। वरना एक गलत कदम टीनेजर में सही और गलत को समझने की शक्ति को कमजोर कर सकता है। पराग शुक्ला, सोहेल कुरेशी और लकी तिवारी, इन तीनों को पराग की माँ उर्मिला शुक्ला के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। बिना किसी गिल्ट के बिंदास जुर्म करते चले पराग को अब गहरा एहसास है, पछतावा है कि उसने एक ऐसी माँ को मार डाला जिसने उसे मौत के मुंह से छीन कर अपनी पूरी जिंदगी से सींचा था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। और याद रखिए, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।